फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बी सी हाइजीनिक मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 2.6 का सारा क्वेश्चन करेंगे और साथ में थियरी करेंगे, थियरी और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। टोटल इसमें 14 क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स आपने इसके पिछले वाला वीडियो एन 2.5 नहीं देखा तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए, जिससे आप जो सीरीज वाइज चलते रहेंगे और आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, और अच्छा लगे तो लाइक। ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो हमारे YouTube फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम 2.6 का थियरी सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि हमारा हेडिंग यानी टॉपिक का नाम है, ये क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जब मैंने बी एस सी वर्ल्ड मैथमेटिक्स स्टार्ट किया तो मैंने बताया लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर जो है लीनियर वेरिएबल के 1 होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उन्हीं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी वो जो वेरिएबल्स होते हैं उनका वैल्यू निकालना, ठीक है, उनका वैल्यू निकालना सॉल्यूशन कहलाता है उनका, यानी उनका जो एक्स वाई जेड हैं इस तरह से हैं, तो उनका वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना, वाई का वैल्यू निकालना, जेड का वैल्यू निकालना, वो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। यानी इक्वेशन में बोला सॉल्यूशन निकालने के लिए, यानी वो बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल्स का। तो चलिए ये हम निकालने को सीखते हैं। अब हमने तो उसमें ऐसी ही सिंपल जो मेथड होता है उससे निकालना सीखा, लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से हम जो है उसका वैल्यू सकते हैं, यानी उस वेरिएबल लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो मेथड हैं, दोनों मेथड आपको इस चैप्टर यानी इस एक्सरसाइज में पढ़ने में, पहले आपका मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी डिटर्मिनेंट के मेथड से जो है आप उस वैल्यू निकाल सकते हैं, उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स को क्रेमर्स रूल भी बोलते हैं, तो अगर एग्जाम में आपको क्रेमर्स रूल मिले तो समझ जाए कि मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स का बात कर रहा है वो। तो देखिए ये क्या है, कैसे ये जो है काम करता है, तो ये यूज क्या है इसका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ मेथड टू फाइंड। यह एक मेथड है क्या करने का, फाइंड करने का लीनियर वेरिएबल्स का, लीनियर वेरिएबल्स को फाइंड करने का यह एक मेथड है। कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ डिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट कैसे, तो फ्रेंड्स बाय मेथड, मतलब जिस तरह से आप डिटरमिनेंट्स निकालते हो किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी वैल्यू का जो आपको मैट्रिक्स मिलता है उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, उसी मेथड से जो है ये निकलता है वेरिएबल, वेरिएबल का वैल्यू। अब देखो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, आपके ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके होते हैं ऐसे सब आपके वेरिएबल। किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, वो आपके इक्वेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका वैल्यू क्या आएगा। ओके, अब चलो समझते हैं ये कैसे अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो मान लेते हैं तीन इक्वेशन हमारे पास, 1 2 3 तीन इक्वेशन है, a1x + b1y + c1z = d1 इस तरह से, और दो इक्वेशन हैं। तो मान लीजिए तीन इक्वेशन दिए हैं और तीनों में से जो वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स वाई जेड आपको वेरिएबल दिख रहा है, सब में दिख रहा है, ये जो a1 a2 a3 सब जो भी, ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉफिशियंट है इसके, एक्स के कॉफिशियंट है, वाई के कॉफिशियंट है, जेड के कॉफिशियंट है, इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन में, इस तरह सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो इन्हें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, यही हमारे वेरिएबल्स हैं, यही लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इन्हीं का सोल्यूशन निकालना होता है। ओके, इस एक्सरसाइज में अब चलिए मान लें तीन इक्वेशन है, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई डिटरमिनेंट मेथड से। तो देखो टू फाइंड एक्स वाई जेड इन तीनों वैल्यू हमें निकालना, जो कि हमारे वेरिएबल्स हैं यही, तो उसके लिए पहले आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा पूरे कॉफिशेंट का। देखो जो कॉफिशेंट है, मतलब आपका जो एक्स वाई जेड का कॉफिशेंट है फर्स्ट इक्वेशन में जो है उसको आप एज इट इज लिख दोगे, देखो a1 b1 c1 है, तो a1 b1 c1, दूसरे इक्वेशन में जो कॉफिशेंट है एक्स वाई जेड के उसको भी लिख दोगे ऐसे a2 b2 c2, फिर उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट है उसको लिख दोगे a3 b3 c3, एज इट इज, जस्ट आपको जो सीरीज में जैसे दिया वैसे लिख देना। याद रहे फ्रेंड्स, अगर आप एक्स वाई जेड करके लिख रहे हैं तो दूसरा इक्वेशन भी एक्स वाई जेड की सीरीज में होना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड। अगर आप जो है यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो जैसे वाई एक्स जेड लिख रहे हो, तो दूसरा इक्वेशन भी उसको भी अरेंज कर देना वाई एक्स जेड में, और उसको भी थर्ड वाले को भी वाई एक्स जेड में, समझ में आ रहा है, यानी अरेंजमेंट आपका सेम होना चाहिए तीनों इक्वेशन का। और अरेंजमेंट हो जाए तो जो कॉफिशेंट जैसे मिले बस यहाँ पे उतार दो लाइन बाई लाइन, क्लियर। तो हम बोलेंगे कि पहले जो है आप उस सीरीज से करना जैसे एक्स वाई जेड सीरीज में है एक्स वाई जेड, ओके, तो सबका लिख देना, लिखने के बाद जो इसका डिटरमिनेंट निकाल देना, डिटरमिनेंट जो भी आए लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आ गया तो एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकलेगा, ये माइंड में रखना। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखो आगे फॉर्मूला में समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा क्यों,
देखो पहले जो वेरिएबल देगा, तीन वेरिएबल रहे, चार वेरिएबल रहे, अगर मान लो एक्स वाई जेड दिया है और यहाँ पे और जोड़ दिया, मान लो सपोज करो कि यहाँ पे पी दे दिया, ठीक है, एक और पी दे दिया, तो यहाँ पे बढ़ा देना, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का हो जाएगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है, कितना भी डिग्री का दिया हो उसे कोई दिक्कत नहीं है, सबका यही मेथड रहेगा, ठीक है। इसी तरह से फाइंड होगा वो भी जो वेरिएबल दिया रहेगा आपका। चलो मान लो कि एक्स आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, वन बाई डेल्टा करोगे। देखो डेल्टा हम बोले कि जीरो नहीं रखना है, इसीलिए बोला कि मैंने कि जीरो नहीं रखना, वन बाई डेल्टा, क्योंकि नीचे आपका जीरो नहीं होता है फ्रेंड्स। नीचे जो होता है मतलब डिनोमिनेटर में आपका कभी भी जीरो वैल्यू नहीं होता है, जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट तो नहीं करना है ना हमें, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा, तो वो आंसर नहीं होगा ना हमारा, तो इसलिए नीचे जीरो इम्पॉसिबल है। तो आपको देखो कैसे लिखना है इसको, ये डिटरमिनेंट में धट है तो सिर्फ डिटरमिनेंट ही चलेगा, ये मैट्रिक्स नहीं है फ्रेंड्स, ये डिटरमिनेंट ही है। अब देखो आपको कैसे लिखना है एक्स के वैल्यू, तो वन बाई डेल्टा, डेल्टा पहले निकाल लेना, कैसे, तो आपके जो कॉफिशेंट होंगे उनके डेल्टा, ठीक है ना, उसी से डेल्टा निकल जाएगा, तो डेल्टा जो भी निकले वन बाई डेल्टा, डेल्टा के नीचे वैल्यू रखा जाएगा। यहाँ पे आप देखो कैसे लिखना है फ्रेंड्स, अगर आपको एक्स निकालना है, यहाँ पर ध्यान ध्यान दो, अगर आपको यहाँ पे एक्स निकालना है तो एक्स वाला जो लाइन होगा उसको गायब कर देना आपको। देखो एक्स वाला जो कॉफिशियंट का लाइन है, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री एक्स का कॉफिशियंट है तीनों, ठीक है, अगर आपको इसी को निकालना है तो इसको तो आपको गायब करना पड़ेगा उस डिटरमिनेंट में से, तो एक्स को निकालना है तो वन बाई डेल्टा तो मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ये मल्टीपल में। अब देखो यहाँ पे देखो ए वन ए टू ए थ्री का यहाँ पे आपको गायब कर देना है, क्योंकि आप एक्स का निकाल, और उसके जगह आपको जो इक्वल के बाद है डी वन डी टू डी थ्री, जो कि कॉन्स्टेंट होता है, सिर्फ कॉन्स्टेंट ये वैल्यू होगा, किसी के साथ कॉफिशेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट नंबर है, तो कॉन्स्टेंट नंबर को रख देना है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, याद करना है कुछ नहीं यार, ठीक है, कोई माइंड नहीं लगाना, ना याद करने वाली चीज़ है ये, बस तरीके सीख लो कैसे कर रहे हैं हम, सिंपली सारा कॉफिशेंट लिख डालो। पहले तो माइंड में देखो जितना भी वेरिएबल दिया हो सबका जो कॉफिशेंट है अरेंज कर देना, ठीक है, अरेंज करने के बाद सबको लिख दो। लिख दिया, लिखने के बाद अगर पहले वाला वैल्यू एक्स निकालना है, जिसको निकालना है उसको गायब कर दो, और जो लाइन में दिख रहा है जैसे फर्स्ट में दिख रहा है तो फर्स्ट में ही गायब कर दो, ओके, दूसरे में अगर वो है तो दूसरे वाले में करो, जहाँ पे दिया है उसी लाइन में गायब होगा वो, जैसे फर्स्ट में दिया तो फर्स्ट में गायब कर दिया मैंने, उसके जगह आपको डी वन डी टू डी थ्री कर देना है, कॉन्स्टेंट नंबर डाल देना है, समझ में आ गया, एक्स निकल जाएगा। वाई देखो, वाई कौन से नंबर पर दिया है, देखो बी वन बी टू बी थ्री दूसरे लाइन पर दिया है, तो दूसरा लाइन में गायब होगा ना जब वाई निकालेंगे, तो वन में डेल्टा तो एज इट इज रहेगा। अब देखो दूसरे लाइन में दिया था तो उसके जगह मैंने उसको हटा दिया, और फिर से डी वन डी टू डी थ्री, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, ये सब में लगता जाएगा, फॉर्मूला में कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल है, ठीक है। अब देखो जैसे जेड निकालना है आपको, जेड कौन सी लाइन में है, जेड का कोफिशेंट थर्ड कॉलन पे है, सी वन सी टू सी थ्री, तो थर्ड कॉलन पे ही गायब करने आपको, उसकी जगह रिप्लेस कर देना है कॉन्स्टेंट नंबर डी वन डी टू डी थ्री, फॉर्मूला बन गया। अब इस तरह से आपके डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई होते हैं, और सारे एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल है अगर यहाँ पे पी दिया है तो सेम उसी तरह से करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, ओके, आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं अब फ्रेंड्स, दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा है, यह है सेकेंड मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बोलते हैं इसको, पहला डिटरमिनेंट मेथड था, दूसरा मैट्रिक्स मेथड है। अब इसका यूज़ क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज़ आल्सो यूज फॉर द फाइंड द लीनियर वेरिएबल्स बाय मैट्रिक्स, यानी इसका भी यूज होता है लीनियर वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए, कौन से मेथड से, तो मैट्रिक्स मेथड से, यानी मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए। अब देखो फिर इसके लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं कैसे अप्लाई होगा ये, तो इसके लिए फ्रेंड्स इक्वेशन वही ले लो सेम थर्ड, मान लो तीन इक्वेशन हमारे सामने है, यानी तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल, ओके, चलो तीन वेरिएबल ले लिए। अब तीन वेरिएबल है नहीं, तीनों को वेरिएबल निकालना है, एक्स वाई जेड हमें निकालने हैं, तो उसके लिए देखो कैसे ये काम करता है, कैसे अप्लाई होता है। पहले आपको ए मैट्रिक्स निकालना है, कौन सा निकालना है, ए मैट्रिक्स, लेट कर लो कि ए मैट्रिक्स है, एज्यूम कर लिया मैंने कि ए मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स क्या होगा, तो आपका एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होगा, फर्स्ट इक्वेशन का सीरीज वाइज लिख दो, दूसरे इक्वेशन का सीरीज वाइज लिख दो, थर्ड इक्वेशन का सीरीज वाइज लिख दो। याद रखना अगर फर्स्ट वाले का एक्स वाई जेड ले रहे हो तो दूसरे एक्स वाई जेड के सीरीज में होना चाहिए, ठीक है, थर्ड वाला भी एक्स वाई जेड के सीरीज में होना चाहिए। उल्टा ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, जेड एक्स जेड वाई एक्स ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला भी जेड वाई एक्स ले सकते हो, जेड वाई एक्स ले सकते हो, ठीक है, बस सीरीज आपका दम तीनों का जो है एक जैसा होना चाहिए। अब लिख देना उसी सीरीज में लिख देना, तो ए मैंने मैट्रिक्स बना दिया, उसको बोला ए, ठीक है, जितने भी कोएफिशिएंट हैं एक्स वाई जेड के उसके, उससे मैंने मैट्रिक्स बनाया,
बनाने के बाद उसको बोला लेट ए, ठीक है। अब जो वेरिएबल है उनको मैंने बोल दिया बड़ा वाला एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स बोल दिया। और जो वेरिएबल है उसको मैंने एक कॉलन में टाइप कर दिया, एक्स वाई जेड, जितने वेरिएबल, चार वेरिएबल, तो एक्स वाई जेड पी जो भी है, तो इस तरह से कॉलम में एक कॉलम बना लोगे। अब उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर, जैसे डी वन, डी टू, डी थ्री, ये आपकी कांस्टेंट नंबर है, तो इसको भी आपको डी बोल देना है, ठीक है। और डी वन, डी टू, डी थ्री इस तरह से लिख लेना है एक कॉलम में। अब देखो ये कैसे फॉर्मूला इससे बनेगा, तो ए एक्स इक्वल टू डी, ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो अगर ए तो मैंने इसको ए माना है, ठीक है, और इसको एक्स माना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, इक्वल टू डी कर देंगे, तो आपका सेम यही इक्वेशन बन जाएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं ए को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ और इक्वल में डी वन, डी टू, डी थ्री लिख दूँ, तो सेम आपका यही इक्वेशन बनेगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर यकीन ना आए तो प्लीज़ आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका यही इक्वेशन तीनों आएगा, एज रिपीट हो जाएगा सेम। तो मैं एक्स इक्वल टू डी लिख सकता हूँ, इसका मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों साइड हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मतलब क्या है, तो पहले, तो देखो दोनों पहले मैंने कर दिया, ठीक है, इसके पहले और इसके पहले। करने के बाद जो है ए इनवर्स, ए क्या होता है, आई होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो अब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई आता है, और एक्स आपका एज इट इज़ इक्वल टू ए इनवर्स टी, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई और एक्स को मल्टीप्लाई कर, आई क्या होता है, आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है, उससे किसी भी मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है, तो एक्स आपका सेम आ जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा हुआ है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। अब ये इस साइड वाला आपका सेम रहेगा, तो फॉर्मूला हमारा बन गया है, एक्स अगर हमें चाहिए यानी एक्स वाई जेड चाहिए, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, ए का इनवर्स निकालना होगा और उसे डी से मल्टीप्लाई कर देना होगा, जिससे हमें एक्स मिल जाएगा, यानी जितने भी वेरिएबल हैं सारे का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे दैट इज, देखो एक्स वाई जेड ऐसे लिखना है, एक्स वाई जेड, और ये आपका ए इनवर्स निकल गई है, ये पूरा का पूरा ए इनवर्स है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, बहुत से मेथड हम लोग सीख चुके हैं इनवर्स निकालने का मैट्रिक्स का, ठीक है। वो किसी किसी कोई भी अप्लाई करके इन्वर्स अपना निकाल लेना, कोई भी, इसमें जरूरी नहीं है कि आप यही मेथड लगा, कोई मेथड लगा के इन्वर्स निकालो, उसके बाद डी वन, डी टू, डी थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। याद रहे डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, डेल्टा अगर जीरो हो गया इन्फाइनाइट हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये माइंड में रखना। आप चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा, इसको माइंड में रख लो, इसको नोट करो, स्क्रीन शॉट ले लो, टाइप कर लो, जो करना है करो। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 2.6, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू फाइव, एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव जेड इक्वल टू जीरो दिया। चलो इस इक्वेशन को लिखते हुए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले इसका हेडिंग पढ़ लो, क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। अब हो रहा है कौन से मेथड से, डिटर्मिनेंट्स मेथड बोल रहा है, यानी क्रेमर्स रूल लगाने हमें। डिटर्मिनेंट्स मेथड कहने का मतलब है क्रेमर्स रूल, मैंने बताया दोनों नाम उसी का है। चलिए डिटर्मिनेंट मेथड से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, तीन इक्वेशन दिए हैं, ओके, इसी इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, ये लिख सकते हो, नहीं भी लिखो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, हमें क्या थोड़ा ना इक्वेशन वन और टू से निकालना है। तो चलो, तो पहला हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना है ना, तो हमें क्या निकालना पड़े, पहले हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा। अब देखो पहले इसको ध्यान से देख लेना, अरेंज जरूर कर लेना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज है, मैं अरेंज ना कर रहा, अरेंज ना होता तो करता, ठीक है। अब हम डिटरमिनेंट का साइन देंगे, जो कि सीधा लाइन होता है, दो पैरेलल लाइन। अब हमें जो कोफिशियंट है उसको लिखना है एज इट इज़। देखो एक्स का पहले इक्वेशन, पहले इक्वेशन को ध्यान दो, दूसरे इक्वेशन में बाद में, पहले देखो एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे है वन, वाई का कोफिशियंट है वन, जेड का कोफिशियंट है वन, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में काम खत्म। दूसरे इक्वेशन पर आ जा, देखो एक्स का कोफिशियंट थ्री, वाई का कोफिशियंट है वन, जेड का कोफिशियंट है माइनस थ्री, ओके। अब इसमें आता थर्ड इक्वेशन में, इसमें देखो एक्स का कोफिशियंट है वन, वाई का कोफिशियंट है माइनस टू और जेड का कोफिशियंट है माइनस फाइव, ओके, एज इट, ओके। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, यानी हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलो, तो इसका निकालने के लिए आर वन के और एक्सपेंड करते हैं इसके, तो देखो लिख लेते हैं वन माइनस फाइव माइनस सिक्स, ये तो निकालना आता ही होगा, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे, इतना हम कर चुके हैं लोग, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं पूरी तरह से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। अभी हम लिख लिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इससे हमारा जो निकल के आएगा माइनस अलेवन, इससे जो निकल के आएगा माइनस ट्वेल्व,
और इससे जो निकल के आएगा माइनस सेवन। ठीक है, अभी दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से आएगा 18, ठीक है, और प्लस 12। फ्रेंड्स ये तो यहाँ से देखो 12 पंद्रह 3 हुए 12, 12 12 वन प्लस होता है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 18 में से 12 कितना हो गया, ये माइनस सिक्स आ गया। तो डेल्टा का वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया, माइनस सिक्स, इसको नोट कर लो। ओके, अब चलो निकालते हैं। तो अब हमें सबसे पहले एक्स निकालना है, तो एक्स लिख देंगे। एक्स निकालने के बाद हम फॉर्मूला को टाइप करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको देखो, ध्यान से देखो, तो ये कुछ और नहीं था, क्या था ये, ये था हमारा था ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और ए थ्री बी थ्री सी थ्री था ना। और जो हमारा इक्वल के बाद जो साइन था वो था हमारा डी वन, था ना, इस तरह से डी वन डी टू डी थ्री कुछ इस तरह से था। मैंने अभी थ्योरी में आपको समझाया, आप देखो उसी को निकालने के लिए यहाँ पे हम करेंगे। तो हम देखो डिटरमिनेंट वन बाई डेल्टा फार्मूला पर लिख लेते हैं किस तरह से वो रखता है। तो एक्स निकालना है, तो पहले देखो भैया ए एक्स का कोएफिशिएंट ए वन ए टू ए थ्री, तो उसे हमें गायब करना होगा। तो गायब कर लेते हैं भाई, वन थ्री वन, इसको हमें गायब करना होगा, ये नहीं लिखना है। तो इसके जगह लिखना क्या है, तो इसके जगह हमें लिखना है डी वन डी टू डी थ्री। ओके, ये क्या था, ये तो देखो यहाँ से मिल जाएगा आपको डी वन डी टू डी थ्री, इक्वेशन वन में क्या कॉन्स्टेंट नंबर, इक्वेशन टू में क्या कॉन्स्टेंट नंबर, और इक्वेशन थ्री में क्या कॉन्स्टेंट नंबर, एक कॉलम हो जाएगा। देखो पहले में वन है, देखो तो पहले में वन लिखेंगे, दूसरे इक्वेशन में कॉन्स्टेंट नंबर फाइव है, फाइव लिख दिया, तीसरे नंबर में आपका जीरो है तो जीरो लिख दिया। ठीक है, अब इसी को टाइप करना x, तो यहाँ से वो तो x गायब हो गया, x का कोफिशेंट यहाँ गायब हो जाएगा, तो x के जगह जो कोफिशेंट गायब होगा तो उसकी जगह क्या लिखाएगा, डी वन डी टू डी थ्री, तो यहाँ पे वन फाइव जीरो। ओके, और बाकी जो बचेंगे वो तो एज इट इज लिखा ही जाएंगे, वन वन माइनस टू, उसके बाद वन माइनस थ्री और माइनस फाइव। तो ये कुछ और नहीं था, ऐसे ही था आपका, देखो मैंने थ्योरी में आपको समझाया, ऐसे आपका था डी वन डी टू डी थ्री, और यहाँ से आपका बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री, थ्योरी में देख लेने जाके। अभी जो पिछला जो है भाग देखना आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, यही था ना एक्स, तो यही मैंने लिखा यहाँ पे। अब इसको देखो हम जो है वैल्यू निकालते हैं, तो डेल्टा का वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स, तो वन बाई वन माइनस सिक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं एज इट इज दोबारा से, क्योंकि मैंने अभी डेल्टा का वैल्यू निकला ना, तो मतलब लिखा है यहाँ पे, निकाल तो पहले लिया है माइनस फाइव। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स माइनस में, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया कर्ली ब्रैकेट। अब देखो इसके अलोंग चलेंगे कॉलन वन के अलोंग, तो हमें जो है दो ही चीज़ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तीसरा नहीं, क्योंकि तीसरा जीरो हो जाएगा, तो ये हमें आसान होगा। सी वन के अलोंग चलते हैं इसके लिए, तो हम जब करेंगे तो माइनस सिक्स। ओके, ये तो करना ही आता, और डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत अच्छे से आता होगा आपको, ठीक है, ये मैं आपको बार बार एक चीज़ नहीं बताता रहूँगा। तो एक्स आपका यहाँ पे वन बाई सिक्स, अब फिर से इसका वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से माइनस एलेवन और यहाँ से आपको फिफ्टीन मिल जाएगा। ओके, आप इसको कर लो, तो वन बाई सिक्स फिफ्टीन में से एलेवन जाएगा, तो आपका यहाँ से फोर बचेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से काट दो, दूनी की चार, तीन दूनी की छः, तो यहाँ से बचेगा माइनस टू बाई थ्री, तो एक्स का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू माइनस टू बाई थ्री, ऐसे गिर दो। अब वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे वन बाई डेल्टा, और जो थ्योरी मैंने लिखा है आपको किस तरह से लिखना है, तो पहले तो वाई लिखना है, वाई वाई का वैल्यू निकलना है, तो ये आपका वाई है, ठीक है, इसमें आपको तो y का सेकेंड पे कॉन्स्टेंट नंबर सॉरी कॉफिशेंट नंबर है, तो जो कॉफिशेंट वैल्यूज है उसको हटाना पड़ेगा आपको, उसके जगह किसको सेट करना है, डी वन डी टू डी थ्री को, तो इसको हटाओ, इसके जगह इसको सेट करो, और बाकी चीज़ एज इट इज छोड़ दो। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री रहेगा, दूसरे वाले में बी वन बी टू बी थ्री नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डी वन डी थ्री रहेगा, सी वन सी टू सी थ्री हो गए। ओके, इस तरह से होगा, डेल्टा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं वन बाई सिक्स इस तरह से, और बाकी जो इस तरह से लिख दिया मैंने, अब यहाँ पे उठा के इसको छाप देंगे इसमें से, तो चलो छाप लेते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, एक्स का कोफिशेंट ये हो गया, ये आपका डी का कोफिशेंट हो गया, और ये आपका जेड का कोफिशेंट हो गया, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम सॉल्व, तो वन बाई सिक्स, और यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट देते हैं, वन किसके लोग चलते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम जो है
इसी कॉलम में चलते हैं, कॉलम नंबर टू से, क्योंकि इसमें एक जीरो है कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस फाइव और फाइव माइनस थ्री। ओके अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू आएगा माइनस वन बाई सिक्स माइनस एट माइनस टेन। ठीक है ये निकल के आएगा। अब y का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या आएगा, अब इसको जब जोड़ देंगे दस आठ अठारह हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा और एटीन। ठीक है बाई सिक्स यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये एटीन आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा चेक छतली अठारह, तो यहाँ से थ्री आ जाएगा। वाई का वैल्यू क्या आ गया ये थ्री। ठीक है अब जेड का वैल्यू बचा, तो जेड के लिए फॉर्मूला लिखेंगे वन बाई डेल्टा। अब जेड है तो जेड वाला जो उसमें है कॉफिशियंट उसको वहाँ से गैप करेंगे, और उसको गैप करने के बाद डी वन डी टू डी थ्री सेट करेंगे, जैसे ए वन ए टू ए थ्री, ये आपका एक्सा कॉन्स्टेंट है कॉफिशियंट है, बी वन बी टू बी थ्री ये आपका वाई का कॉफिशियंट है। अब जेड का कॉफिशियंट यहाँ पर लिखना है लेकिन लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें इसका निकालना है तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखेंगे डी वन डी टू डी थ्री। ओके अब डेल्टा का वैल्यू हमें पता है वन बाई माइनस सिक्स। अब इस तरह से हमें पता है ए वन ए टू सब का वैल्यू लिख देंगे, तो ये एक्स का कॉफिशेंट है वन थ्री माइनस वन 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 माइनस टू वन फाइव जीरो। ओके तो फ्रेंड्स ये माइनस नहीं है प्लस, ये प्लस वन वन थ्री वन है। अब इसका सोल्यूशन करते माइनस वन बाई सिक्स होगा, उसके बाद यहाँ पे जो इसके अलॉन्ग थर्ड कॉलम के लोग चलेंगे जिससे करना पड़ेगा थर्ड, यहाँ पे जीरो इसलिए, तो हम इसके लोग जब चलेंगे तो आपका वन इंटू यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट देते हैं वन इंटू माइनस सिक्स माइनस वन, उसके बाद जो है माइनस फाइव फाइव माइनस टू माइनस वन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वन बाई सिक्स आएगा, उसके बाद जो है जब इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा सेवन, तो यहाँ से आपका माइनस सेवन हो जाएगा, ये आपका प्लस में फिफ्टीन आ जाएगा। ओके फिफ्टीन में सेवन जाएगा तो एट आ जाएगा। ओके एटीन बाई सिक्स माइनस में, तो इसको काट देंगे चार दुनिया के आठ तीन दुनिया के छः, तो ये आपका माइनस फोर बाई थ्री आएगा। ओके तो ये हमारा जेड का वैल्यू है माइनस फोर बाई थ्री। ओके अब हमें देखो मिल गया क्या क्या, एक्स का वैल्यू हमारा निकल के आया था माइनस टू बाई थ्री, वाई का वैल्यू निकल के आएगा थ्री, और जेड का वैल्यू निकल के आया माइनस फोर बाई थ्री। ओके तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू जो है सेम वन जैसा है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसको भी डिटरमिनेंट मेथड से ही निकालने हैं, तो ये आपके तीन इक्वेशन रहेंगे, तो इसमें से आपको डेल्टा निकालने हैं जो कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, फिर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री। याद रहे एक्स वाई जेड है ये पहला, तो दूसरा भी एक्स वाई जेड और तीसरा भी एक्स वाई जेड ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डी वन डी टू डी थ्री का वैल्यू निकालना है जो कि टू नाइन सेवन है, अरेंजमेंट में याद रखना डी वन और टू थ्री, इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री, जैसे ये है इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री, उसी तरह से ये भी निकालना, इधर उधर मत कर देना, इधर उधर करोगे आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है डेल्टा निकाल लेना इससे, यानी इसका वैल्यू निकल जाएगा माइनस फिफ्टी एट। अब तीन वेरिएबल है, तो पहला एक्स है तो एक्स निकालेंगे, तो वन बाई डेल्टा होता है, तो डेल्टा का वैल्यू माइनस फिफ्टी एट है लिख दिया। उसके बाद जो यहाँ पे लिखेंगे एक्स हमें निकालना है, तो एक्स का जो कॉफिशियंट है वो गैप करना होगा, उसके जगह डी वन डी टू डी थ्री सेट करना होगा जो कि मैंने कर दिया टू नाइन सेवन। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू निकाला, तो यहाँ पे आ गया आपका ये माइनस फिफ्टी एट, तो इसका है डेल्टा का वैल्यू और माइनस सोलह इसका आ गया, तो ये कट गया तो दो मत में, तो ये आपका एक्स इक्वल टू टू निकल जाएगा यहाँ से। अब इसी तरह से वाई निकालने के लिए हमें जो वाई का कॉफिशियंट है उसको गैप करना होगा, करने के बाद जो है जो डी वन डी टू डी थ्री है उसको रिप्लेस करना होगा, रख दिया मैंने प्लस का वैल्यू निकाला था माइनस फिफ्टी ए फिफ्टी एट आया। ठीक है माइनस फिफ्टी एट तो इसका है डेल्टा का वैल्यू, अब इसको काटा तो माइनस वन आ गया वाई के वैल्यू माइनस वन। सेम जेड 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 का कोफिशिएंट गैप करेंगे, उसके जगह डी वन डी टू डी थ्री सेट करेंगे, अब उसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस ट्वेंटी नाइन आएगा, कट जाएगा इसको तो ये हाफ आ जाएगा वाई, यहाँ पे जेड का वैल्यू ये जेड का वैल्यू है। ठीक है जेड का वैल्यू हाफ, तो एक्स का वैल्यू टू वाई का वैल्यू माइनस वन और जेड का वैल्यू हाफ, तो ये हमारा आंसर है। तीसरा है तीसरा डिटरमिनेंट मेथड से ही हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो ये आपके इक्वेशन फ्रेंड्स यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपका पॉइंट में दिया 6.6 है, जैसे 2.2 है यहाँ पे 15.2 है, तो जो वैल्यू है आपका कांस्टेंट नंबर वो सिर्फ पॉइंट में दिया है, बाकी चीज़ें सब एक जैसी है, यानी जैसे फर्स्ट और सेकेंड में था वैसी है। तो आप सबसे पहले पॉइंट हटा दो, तो हटा दोगे तो अच्छा सोल्यूशन आपका जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा झोल होगा, हम बोलेंगे पॉइंट हटा के करो। ठीक है चलो पॉइंट हटा के करते हैं,
जैसे फ्रेंड्स ये देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है 6.6 है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 6 6 लिख सकते हो, और 6 पॉइंट पॉइंट के बाद जो है कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो 1 0 सेट कर दो, मतलब एक 0 सेट कर दो, 1 तो अपने से लिखा जाता है, 0 सेट कर दो, तो ये सब लिख सकते हैं। अब इस 10 को क्या करो फ्रेंड्स, इससे मल्टीप्लाई, अब देखो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, अब 2.2 है, तो इसको 2 2 लिख दो, उसके बाद जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 0, ठीक है। उसके बाद सेम इसको भी एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड, अब देखो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसको भी आप 1 0 कर दो, ओके। अब यहाँ पे 10 को इस सब तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 6 से होगा, तो 6 6 6 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, जैसे 10x हो जाएगा ये, प्लस 10y, और ये 10z हो जाएगा, i = 66 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से इक्वेशन 1 बन गया, इसको 1 लिख सकते हो इस तरह से, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको सेम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आपका 10 टाइम्स ये बढ़ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई तो एज इट इज़, तो देखो यहाँ से 10x माइनस 10y और प्लस 10z इक्वल टू आपका यहाँ से 22, इक्वेशन 2। थर्ड से 10 मल्टीप्लाई, ठीक है, और 1 से 152, तो 152 एज इट इज़, तो यहाँ से 10x प्लस 10 2 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 3 जा कितना हो जाएगा 30z इक्वल टू आपका 152 इक्वेशन। और ये पूरी तरह से अरेंजमेंट मैं देखते हो, जैसे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, ठीक। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो अब देखो हम यहाँ से आसानी से डेल्टा निकाल सकते हैं, तो डेल्टा क्या होता है एक्स वाई जेड, तो जो एक फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट था उसको लिखते हैं, जैसे 10 10 और 10 है, दूसरे का आपका 10 है माइनस 10 है और फिर 10 है, तीसरे का 10 है 20 है 30 है, ओके। अब यहाँ पे D1 D2 और D3 जो है लिखो, देखो तो क्या है आपका, तो यहाँ से आपका 66 है, यहाँ से 22 है 2 में, और थर्ड इक्वेशन में आपका 152 है। अब फ्रेंड जब इसको सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू निकालोगे डेल्टा का, तो यहाँ पे आएगा -4000 यानी 4000 माइनस में, तो ये आपके आ गए यहाँ पे। अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स का कोफिशियंट को गायब करते हैं और उसके जगह रिप्लेस करते हैं D1 D2 D3 को, यानी 66 22 152, ओके। अब उसके बाद एज इट इज़ -10 20 10 10 30, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे इसका, तो देखो क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे 1/डेल्टा भी होता है ना, और यहाँ पे डेल्टा का क्या वैल्यू है, तो डेल्टा का वैल्यू आपका है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन, डेल्टा का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका -4000 मल्टीप्लाई, जब इसका वैल्यू आप पूरा निकाल लोगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा -48, ठीक है 00 ये आएगा आपका। अब इसको आप काट दो, देखो कैसे काटोगे, ये 6 बार में आप कट जाएगा, देखो 6 8 48 होता है, ठीक है आपका 00 00 तो कट जाएगा ना, ये 40 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, तो 6 8 48 और ये जो है आपका कट जाएगा 5 बार में, 5 8 40 हो जाएगा, इस तरह से फ्रेंड्स ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या आएगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आएगा 6/5। अब इसको जो है काट दोगे डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से 1.2 आएगा, ओके। अब वाई का वैल्यू निकालोगे, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए फिर से अब एज यहाँ पे जो इसमें आप क्या गायब करोगे, वाई का कोफिशिएंट गायब करोगे, उसके जगह D1 D2 D3 को सेट करो, 3 3 3 इसके जगह D1 66, D2 आपका यहाँ से 22 है, ओके 152, D3 है, उसके बाद 10 10 30 एज इट इज जेड का कोफिशिएंट, उसके बाद 1/डेल्टा भी है। अब जब आप इसका वैल्यू निकाल लोगे, जिससे इसका वैल्यू तो क्या है माइनस में 4000 है मल्टीप्लाई, जब इसका पूरा का वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे भी ये माइनस में 88000 आएगा, ओके 00 से 00 खत्म, यहाँ से आपका अब ये देखो ये भी कट जाएगा, 11 बार में कटेगा ये, और ये आपका करेगा 5 बार में, 5 8 40 11 8 88, तो ये हो गया फ्रेंड्स 11/5। तो इसको जब काट दोगे डिवाइड कर दोगे तो 2.2 आएगा, यानी वाई का वैल्यू हमें 2.2 मिल जाएगा, ओके। अब जेड का वैल्यू तो 1/डेल्टा, उसके बाद हम लिखेंगे एक्स का तो रहेगा ही हमारा कोफिशिएंट, वाई का भी कोफिशिएंट रहेगा, और जेड निकाल रहे हैं तो जेड का कोफिशिएंट गायब हो जाएगा, और D1 D2 3 लिखाएगा, तो ठीक है 152,
अब यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, -4000 मल्टीप्लाई, इसको जब आप जो है निकालोगे वैल्यू तो आपका एक -2 ईट आएगा, ठीक है। तो ये 00 ख़त्म, यहाँ से ये जो है भी कट जाएगा, ये देखो ये 5 टाइम्स में कटेगा और ये आपका 16 टाइम में कटेगा, ठीक है। 16 8 128 होता है, 580 आपका 40 होगा, तो जेड का वैल्यू यहाँ से ये आएगा 16/5, काट दोगे इसको तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन को काटोगे तो ये आप 0.2, तो यहाँ से जेड का वैल्यू आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1.2, वाई का वैल्यू 2.2, और जेड का वैल्यू आपका 3.2। इस तरह से हमारा एक्स वाई जेड आ गया। तीसरा फ्रेंड्स, तीसरा बोल रहे हैं चौथा, ठीक है। चौथा नंबर जो है इसको सॉल्व करते हैं, ये आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है डिफिकल्ट लेकिन है आसान, चलो करते हैं। लॉग में आ गया ये, देखो फ्रेंड्स तीन इक्वेशन है आपके सामने, ये आपको दिख रहा होंगे बहुत क्रिटिकल, लेकिन क्रिटिकल है नहीं। देखो कैसे, मान लो पहला लेते हैं, इसको ही लेते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं ध्यान से देखो, इसको एज पहले इसको जैसे लिखा है ऐसे लिख दो, जेड क्यूब डिवाइड बाई वाई इक्वल टू ई के पावर 8 है। अब इसको हम लिखते हैं बोथ साइड, ठीक है ना, टेक लॉगिंग लॉग, टेक लॉग दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लॉग लेने का मतलब लॉग लगाते हैं इस तरह से, देखो लॉग ऐसे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड क्यूब है स्क्वायर नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू लॉग, इधर भी लगाएंगे और ई के पावर 8 हो जाएगा ये। और फ्रेंड्स लॉग का प्रॉपर्टी होता है, फ्रेंड लॉग का प्रॉपर्टी होता है, अगर जो है मल्टीपल में हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो दो किसी नंबर का, दो किसी वेरिएबल्स का, तो उसे हम प्लस में कर सकते हैं, अलग अलग करके प्लस में कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई है तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं, अगर वो डिवीजन में है तो उसे माइनस में कर सकते हैं, यानी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले में से सेकेंड, एंड फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड है तो फर्स्ट में से सेकेंड को घटा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये देखिए डिवीजन में नीचे वाई है लेकिन एक्स और जेड यहाँ पे मल्टीपल में है, तो इनको हम प्लस में लिखेंगे और इनको माइनस में लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लॉग एक्स स्क्वायर, ये देखो ये दोनों मल्टीपल में है तो इसको हम प्लस कर सकते हैं दोनों को, तो लॉग जेड का क्यूब, अब ये है डिवाइड तो इसको माइनस लिख सकते हैं, लॉग वाई लिख सकते हैं ना। अब देखो लॉग ई के पावर 8 क्या होता है, आपका ये डायरेक्टली आपका 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये होता है जिसे भी कोई भी वेरिएबल्स है उसका पावर दिया है, कोई भी नंबर का पावर है तो उस पावर क्या होता है लॉग में मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 2 पावर है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कोफिशियंट है जो आपका वेरिएबल्स है वो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तब यहाँ पे लॉग ई के पावर 8 है तो यहाँ पे 8 क्या होगा आगे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा, और लॉग ई का मान फ्रेंड्स यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, 8 × 1 कितना होता है 8 ही होता है, ठीक है, ये लॉग ई का मान है 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा, क्लियर समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें इक्वेशन 1 मिल गया। अब देखो दूसरे के लिए, अब ऐसा लिखना इतना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ इतना 4 सेकेंड के लिए, इसके लिए, तो इसके लिए बताओ क्या होगा, अगर हम दोनों साइड लॉग लगाएं सेम थिंग 4 सेकेंड सेम प्रोसेस कर देंगे यहाँ पे, जो अभी अभी किए हम, दोनों साइड लॉग लगाएंगे, दोनों साइड लॉग लगा देंगे, अब लॉग का यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़, उसके बाद ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर जेड डिवाइड बाई एक्स है, तो ये देखो दोनों मल्टीपल में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये डिवीजन में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ई के पावर 4 है तो बताओ क्या होगा, 4 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग से आगे जाके, ठीक है, कुछ यहाँ पे से ये लॉग ई के पावर 4 है तो क्या होगा 4 यहाँ पे लॉग ई हो जाएगा, फिर लॉग ई का मान यहाँ पे 1 होता है तो 4 × 1 आपका 4 हो जाएगा, समझ में आ गया। एंड ई के पावर जितना भी हो वो पावर जो है सिर्फ वही आता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं, देखो लॉग वाई स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहे हैं, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा हो ना आपको, अभी मैंने आपको समझा दिया इसलिए मैं लिख रहा हूँ, एक ही चीज़ को बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें ये तो निकालना नहीं है, हमें तो निकालना है एक्स वाई जेड, ठीक है, लॉग वाई स्क्वायर प्लस जेड हो गया यहाँ पे और माइनस में लॉग एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा ई के पावर 4, तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिखाएंगे तो इक्वेशन 2 हो जाएगा यहाँ से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सेम ऐसे लिखेंगे फॉर सेम थॉट, ठीक है ना, थॉट के लिए भी वही प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे देखो
फोर्थ सेम थॉट के लिए। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। देखो दोनों मल्टीपल में है तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, डिवीजन में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और आपका ये देखो ये सिर्फ वन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लॉग लगेगा, लॉग वन, देखो लॉग वन लॉग लगेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। ये सब लॉग प्रॉपर्टीज़ में 12th में आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है, ठीक है। कहीं भी सर्च मार लेना, गूगल पे भी कर लोगे, लॉग वन इक्वल टू, तो जीरो ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं। तो देखो थर्ड तीसरे के लिखेंगे तो लॉग जो प्लस मल्टीपल में वो प्लस में हो जाएगा, लॉग वाई यहाँ पे लिख दिया मैंने, और जो डिवीज़न में वो आपका माइनस में हो जाएगा, लॉग चेक पावर 4, और लॉग वन हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे इसको एज इट इज लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड के पावर 4 इक्वल टू 0, ओके। अब फ्रेंड्स देखो ये हमारे तीसरे इक्वेशन है ये। अब जो फ्रेंड्स जो तीनों इक्वेशन है उसको आप थोड़ा अरेंज करके ये जो पावर है इसको आप हटा सकते हो। देखो कैसे, ये तीन मैंने आपको बताया ना, लॉग चक का जो पावर होता है इसमें जो वेरिएबल्स होता है उसके पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, जिस यहाँ पे 3 है तो 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे लॉग वाई, अब इसका वन है तो वन से होगा तो ये वन ही होगा ना, तो लॉग वाई रहेगा, ये पावर 4 है तो इससे मल्टीप्लाई होगा 4, लॉग जेड होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेम जो है हम इसको भी लिख सकते हैं, ये पहले वाले को देखो ये 2 है तो 2 लॉग एक्स, इसको यहीं पे लिख देना था, ठीक है, हम भूल गए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लिख देना इसको यहीं पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 मल्टीप्लाई तो 2 लॉग एक्स प्लस यहाँ पे 3 लॉग जेड, पावर 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 है, 1 से मल्टीप्लाई तो कुछ असर नहीं करेगा, वाई वन वाला इक्वल टू 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये 2 लॉग वाई, उसके बाद जेड 1 है तो 1 असर नहीं करेगा, लॉग जेड माइनस इसको लॉग एक्स, यहाँ पे भी 1 है 4, इसको ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब सब में देखो लॉग वाई लॉग जेड और लॉग एक्स, लॉग एक्स लॉग जेड लॉग वाई, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, सब में दिख रहा है, कोई चीज़ कॉमन दिखा क्या, दिखा लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड सब में कॉमन है, तो ये कॉमन चीज़ को फ़ायदा उठाओ भैया, लेट कर लो यहाँ पे, लेट ए इक्वल टू लॉग एक्स, क्योंकि इसको लेके चलोगे सोल्यूशन निकालने तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ए लंबा पड़ेगा, होगा ही नहीं, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा यार। ए इक्वल टू लॉग एक्स लो, बी इक्वल टू लॉग वाई, हमें क्या करना है, मैथ हमें क्या करता है, हमें कुछ ऐसी चीज़ सिखाता है जो शॉर्ट तरीका, ठीक है ना, जो शॉर्ट तरीका दे, तो हमें शॉर्ट तरीके से ही कोई चीज़ काम करने हैं, जब से एग्ज़ाम में ऐसा बोला ही नहीं गया कि आपको इस तरह से निकालो, तो आपको अपने से शॉर्ट तरीके निकालने हैं। तो ए इक्वल टू लॉग एक्स माना, बी इक्वल टू लॉग वाई और सी इक्वल टू लॉग जेड, ए मान लिया, तो इससे देखो पहले वाले से क्या मिलेगा, हमें पहले वाले से क्या मिलेगा, देखो यहाँ से लॉग एक्स इसकी जगह ए, लॉग जेड इसकी जगह सी, और लॉग वाई इसकी जगह बी, ठीक है, लेकिन ऑरेंज में लिखना है, पहले ए उसके बाद बी उसके बाद सी। तो ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2a हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका फ्रेंड्स माइनस बी होगा, ये आपका प्लस है तो प्लस 3c हो जाएगा, ठीक है, अरेंज में लिखना। तो देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो फोर नहीं नहीं फ्रॉम लिखो यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट, पहले से हमें क्या मिलेगा, पहले से अरेंजमेंट में लिखना, ठीक है, पहले से हमें मिलेगा 2a माइनस बी और प्लस 3c इक्वल टू 8, ये पहले से मिलेगा। अब दूसरे से क्या मिलेगा, फ्रॉम टू दूसरे से फ्रेंड्स क्या मिलेगा, तो दूसरे से हमें मिलेगा अरेंजमेंट में लिखना है, जैसे ए बी सी लिखा तो उसमें भी ए बी सी के अरेंजमेंट में लिखना, ए 2b प्लस सी इक्वल टू 4, दूसरे से मिला फ्रॉम थॉट, थॉट से क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो तीसरे से भी क्या मिलेगा हमें, तीसरा से मिलेगा 3a प्लस बी माइनस 4c इक्वल टू 0, ए मिलेगा हमें तीसरे से। तो देखो तीन मिल गए, 1 2 3, अब जो है हमें सिंपल सिंपल दिख रहा है, अब हम डिटरमिनेंट मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ से पहले डेल्टा निकालना फर्स्ट फॉर्ज होगा हमारा, तो देखो डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन का जो कॉफिशियंट उसको लिखेंगे, जैसे ए बी सी, तो ए का कॉफिशियंट है आपका 2, बी का कॉफिशियंट है माइनस 1 और सी का कॉफिशियंट है 3, ठीक है। दूसरे इक्वेशन का एक कॉफिशियंट माइनस 1 है, बी का आपका 2 है
और सी का आपका 1 है, थर्ड का 3 है, उसके बाद बी का 1 है, सी का -4 है। ओके जब इसका वैल्यू निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, तो इसका वैल्यू लिखकर के आएगा -38। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले ए निकालेंगे। अब देखो वेरिएबल ए बी सी में है, तो ए हम निकालेंगे, ए तो -1/38 ये लिख देंगे, डेल्टा का वैल्यू होता है 1 बाई, एक चीज़ को बार बार नहीं लिखेंगे, अब हम बार बार आपको चीज़ नहीं समझा सकते, ये क्या है 1/डेल्टा है, तो -30 है तो माइनस ऊपर लिख दिया मैंने। अब हम यहाँ पे ए निकालना है, तो ए का कोफिशियंट ए है, इसको गायब करना होगा, इसकी जगह हमें क्या सेट करना, D1, D2 और D3, यानी जो वेरी कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना, तो कॉन्स्टेंट हमारा क्या क्या बताओ, यहाँ पे 8 है पहले में, दूसरा में 4 है, तीसरा में 0 है, तो इसकी जगह मुझे लिखना होगा 8, 4, 0, उसके बाद -1, 2, 1, 3, 1, -4। ठीक है, इसका निकाल लोगे वैल्यू, तो फ्रेंड जब इसका वैल्यू आप निकालोगे तो -1/38 इंटू इसका जब निकालोगे आप, तो इसका आपका निकल के आएगा -36। ओके ये निकल के आएगा, ये जो है माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा ये, और 38 दोनों के 2 आपका 76 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, यानी ए का वैल्यू आपका 2 आएगा। अब बी का वैल्यू निकालेंगे, तो बी इक्वल टू 1/डेल्टा, उसके बाद बी का जो कोफिशियंट रहेगा उसको गायब कर देंगे, उसके जगह D1, D2, D3 करेंगे, तो यहाँ से हम लिख देंगे 2, -1, 3, उसके बाद 8, 4, 0, उसकी जगह कर दिया देखो D1, D2, D3, 3, 1, -4, ए आपका सी का है। अब जब इसका वैल्यू निकालोगे डेल्टा, तो पता है हमें 1/-38 इंटू आपका जो इसका जो वैल्यू निकालोगे, तो इसका भी -36 आएगा, 76 नहीं, ये आपका 2/ में कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ओके अब सी का निकालने जाओगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/डेल्टा, उसके बाद सी का कोफिशियंट हट जाएगा, उसके बाद D1, D2, D3 आएगा, ये 1, उसके बाद 3, -1, 2, 1, उसकी जगह D1, D2, D3। जब इसका वैल्यू निकालोगे तो फ्रेंड्स इसका भी -76 आएगा, -38 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, सी का वैल्यू भी 2 आ गया यहाँ पे। ओके तो ए बी और सी 2 आ गया, तीनों का वैल्यू 2 आया, लेकिन ए तो हमें निकालना नहीं है, हमें तो एक्स वाई जेड का निकालना है। तो देखो लॉग एक्स इक्वल टू हमने ए माना था, लॉग वाई बी माना था, ठीक है ना, माना था लॉग वाई क्या माना था, बी, और लॉग जेड क्या माना था हमने, सी। तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू भी 2, सबका 2 हुआ है, तो यहाँ पे लॉग एक्स इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ए का। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, ये लॉग जो ना इस साइड जब जाएगा ना, इस साइड, तो यहाँ से एक्स, देखो एक्स को तो हमें सिंगल करना पड़ेगा, तब तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो लॉग जो है जब बराबर के उस साइड जाते हैं तो ई में बदल जाता है वो, देखो इसी ये लॉग है, मान लो कि ये लॉग एक्स है, यहाँ पे 4 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो ये क्या होगा जब इस साइड जाएगा, तो ये एक्स तो अकेला छूट जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये ई में बदल जाएगा, ये पावर में हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये जब जाएगा ना ये मल्टीपल में है, तो ये जाके यहाँ पे जाकर बेस बन जाता है, जो भी कॉन्स्टेंट नंबर था उसका बेस बन जाता है, ई में बदल जाता है, ये भी आपका प्रॉपर्टी है, ई जाके ई के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सबका वैल्यू तो 2 ही आया है, ये भी 2 आया है, तो यहाँ से भी आपका वाई का वैल्यू भी ई के पावर 2 हो जाएगा, ये भी ई के पावर 2 हो जाएगा, यानी हम एक्स जेड का वैल्यू भी आपका ई के पावर 2 होगा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर 2, तीनों का वैल्यू सेम आएगा, आंसर सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, ये आपका थोड़ा सा ये लेंदी दिया है, अब इसको सॉर्ट करना पड़ेगा तब सॉल्व हो पाएगा, चलो करते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। तो देखो फ्रेंड्स ये आपके सामने 3 इक्वेशन दिए हैं, तो ये आपको क्रिटिकल लग रहे होंगे, चलो इसको सिंपल बनाते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन को, तीनों का तीनों इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय यू वी डब्ल्यू, ठीक है, तीनों को यू वी डब्ल्यू टू गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है उसको हम यू वी डब्ल्यू से डिवाइड करते हैं। तो पहले इक्वेशन को यू वी डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे, ऑन बोथ साइड लिख दो, याद रखना बोथ साइड, दोनों के साइड में, मतलब बराबर के इस साइड में, बराबर के इस साइड में भी, दोनों साइड में आपको यू वी डब्ल्यू से डिवाइड करना है। तो देखो इससे आपको क्या मिलेगा, इसको आप यू डब्ल्यू से डिवाइड करोगे,
तो सब में जो है डिवीजन लगा दो कुछ इस तरह से। देखो आपको दिखाते हैं पहले वाले को, जैसे टू यू, यहाँ पे वी डब्ल्यू है, यहाँ पे वी ई डब्ल्यू है, ठीक है। इसको पूरा का पहले लिख लो पहले, तब दिखाएंगे आपको। यहाँ पे डब्ल्यू यू प्लस यू वी इक्वल टू 3 UVW, ठीक है, इस तरह से है। तो इस साइड आप किससे डिवाइड करोगे, यू वी डब्ल्यू से, इस साइड भी आप यू वी डब्ल्यू से करोगे, ये तो पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये तो आपका है, तो इस तरह से ये फ्रैक्शन जाएगा, इसमें सब इसमें जाएगा, इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में, फिर इसके डिवाइड में। तो फिर जब इसके डिवाइड में ये जाएगा यू वी डब्ल्यू, तो इसमें यू वी और डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यू, ठीक है। तो यहाँ पे 2/u आ जाएगा, ओके। अब माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें इसके डिवीजन में जब जाएगा डब्ल्यू यू है डिवाइड बाई यू वी डब्ल्यू, तो इसमें डब्ल्यू यू कट जाएगा, तो ये डब्ल्यू यू यू कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा वी, यानी अब क्या बचेगा यहाँ पे 1/v। अब सेम थिंग प्लस है तो प्लस, अब इसके पास जब जाएगा इसके डिवीजन में, तो ये क्या होगा, यहाँ से देखो यू वी, तो यू और वी ये कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा डब्ल्यू, तो 1/w। इधर तो कट गया, तो सिर्फ इधर क्या बचा है 3। तो आप इसको इक्वेशन 1 बोलो, ओके। अब दूसरे वाले को भी ऐसे करो, देखो 3 VW प्लस 2 WU प्लस 4 UV इक्वल टू 19 UVW। इस साइड भी UVW, ठीक है, और इस साइड भी आपको UVW करना है। तो इसके पास जब आएगा तो यहाँ पे VW कट जाएगा, फिर से U बचेगा 3/U, और यहाँ से आपका 1/V। इस तरह से आपका अरेंजमेंट में आता है, W कटेगा तो V बचेगा 2 में, 2 × 1 कर सकते हो, चाहे 2 करो। और प्लस अब यहाँ पे 4V यू भी है, तो यू भी कटेगा, तो यहाँ पे W बचेगा 4/W, इधर को बचेगा 19, ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब इसको इक्वेशन 2 बोलो, सेम थिंग। अब जो है इक्वेशन 3 इसके लिए काम करो, इससे इक्वेशन 3 बनेगा हमारा। तो इसके लिए देखो और लिखते हैं यहाँ पे, इसको और लिखते जाओ, ठीक है। इसमें पता चलेगा कि सेकेंड में जा रहे हैं, थर्ड में जा रहे हैं, अब थर्ड में, तो उसके बाद जो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मैंने थर्ड के लिए काम किया, तीसरा बनेगा इससे, तो यू वी डब्ल्यू और यू वी डब्ल्यू, ओके। अब यहाँ से फ्रेंड्स इसके पास जाएगा तो कट जाएगा, और यू बचेगा इन 6/u, और इसके पास जाएगा तो यहाँ से भी बचेगा 7/v, और यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस में 1/w बचेगा, इधर बचेगा 17। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब फ्रेंड्स ये तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो आप, 1/u, 1/v, 1/w, 1/u, 1/v, 1/w, सब में आपको 1/v, 1/u भी 1/w दिखेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो या लेट कर सकते हो क्या, तो 1/u इक्वल टू x, 1/v इक्वल टू y, और 1/w इक्वल टू z, ये आप लेट कर सकते हो। अब क्या होगा, इससे सॉल्यूशन हो जाएगा आसानी से। अब इसके जगह लेट करोगे तो यहाँ से फ्रॉम 1 लिखो, फ्रॉम 1 से देखो कौन सा इक्वेशन बनेगा, फ्रॉम 1 से, तो 1 से करेंगे तो मतलब जहाँ जहाँ 1/u हो वहाँ पे x रख देंगे, जहाँ 1/y भी हो वहाँ y रख देंगे, जहाँ 1/w हो उसके जगह z रख देंगे। पहले वाले के पास आ जाओ, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/u हो जाएगा, तो इसके जगह x, तो ये 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x लिख देंगे। अब आ जाए यहाँ से 1/v, तो ये 1/v की जगह हम y लेट किए हैं, तो यहाँ से y लिख सकते हैं। अब z पे आ जाओ, 1/w की जगह क्या है, तो ये आपका z है, ठीक है, और इक्वल टू 3 है, तो 3 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। अब फ्रॉम यहाँ से सेम थिंग, यहाँ से फ्रॉम 2 पे आएंगे, दो इक्वेशन पे, तो यहाँ पे 3 × 1 लिख सकते हैं, तो 3 1/u को क्या माने x, तो 3x हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद प्लस है तो प्लस 2 × 1, तो 1/v, 1/v को क्या माने z, सॉरी z बोल रहे हैं y, तो 2y हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से 4/w है, तो प्लस ये, तो 4 1/w को लिख सकते हैं हम लोग z इक्वल टू यहाँ पे 19 आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे फ्रॉम थर्ड के लिए तीसरे पे जाएंगे, तीसरा वही वाला है, तो 6 × 1 लिख सकते हैं, 1/v, तो सिक्स क्या है x, तो 6x हो जाएगा ये, प्लस 7 × 1 लिख सकते हैं, तो 1/v इक्वल टू आपका y है, तो 7y, और 1/w आप हमारा क्या माने हैं, तो इसको माने हैं हम लोग z इक्वल टू क्या फ्रेंड्स यहाँ पे 17, ठीक है। तो तीन इक्वेशन हमारा मिल गया सिंप्लीफाई में, अब हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे x y z के कोफिशियंट से,
चलो अरेंजमेंट में लिखते हैं एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड। तो फ्रेंड्स मैंने डेल्टा लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन का एक्स वाई जेड, दूसरे इक्वेशन का एक्स वाई जेड और तीसरे इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट। अब यहाँ से डी वन, डी टू और डी थ्री भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ से तो हमारा डी वन, डी टू, डी थ्री क्या था, 3, 19, 70। अब देखो फ्रेंड्स हमें डेल्टा निकालना है पहले, तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे आप तो डिटरमिनेंट इसका -78 आएगा। ओके निकाल लेना। बच्चे उधर जाओ तुम। तो चलिए फ्रेंड्स ये देखो उसके बाद 78 है माइनस आ गया। अब एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 बाई डेल्टा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट करेंगे तो, और उसके जगह हम डी वन, डी टू, डी थ्री लिखेंगे 3, 19, 70। ओके उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स का गायब करने के बाद जो बचे -1 उसको -1, 2, 7 बचा, यहाँ 4, 1, 4, -1। ओके अब यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकल चुका है 1 बाई -78 मल्टीप्लाई इसका जब वैल्यू आप निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा -78 कट जाएगा, ये आपका 1 आएगा। ओके एक्स का वैल्यू 1। चलो वाई का वैल्यू निकालो, वाई का वैल्यू निकालोगे तो 1 बाई डेल्टा फिर से वाई का कोफिशेंट गायब होगा, तो पहले तो एक्स का लिख देंगे 2, 3, 6, यहाँ से वाई का कोफिशेंट गायब, तो इसकी जगह होगा डी वन, डी टू, डी थ्री 19, 17, ठीक है। उसके बाद 1, 4, -1 जेड का कोएफिशिएंट। अब यहाँ से निकालेंगे डेल्टा का वैल्यू तो निकल चुका है, तो ये हमारा -78 है मल्टीप्लाई इसका जब वैल्यू आप निकालोगे तो इसका वैल्यू माइनस में 56 आएगा, -156 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कट जाएगा ये, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू अभी 2 आएगा। अब यहाँ से जेड का वैल्यू निकालोगे तो 1 बाई डेल्टा जेड का कोएफिशिएंट गैप करेंगे, तो इसके जगह यहाँ पे डी वन, डी टू, डी थ्री होगा, और यहाँ पे एक्स का तो रहेगा ही 2, 3, 6, और वाई का भी रहेगा -1, 2, 7, जेड का गायब होगा, उसके जगह डी वन, डी टू और डी थ्री। अब यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकाल चुके हैं -78 मल्टीप्लाई इसका जब वैल्यू आप निकालोगे तो माइनस में 2, 3, 4 आएगा। ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा ये 3 टाइम्स में कटेगा, तो ये जो 3 आएगा यानी जेड का 3 आएगा। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो लेट किए थे एक्स वाई आ गया, लेकिन एक्स वाई जेड तो हमें निकालना नहीं है, हमें तो यू वी डब्ल्यू निकालना है। तो देखो एक्स इक्वल टू हमने क्या माना था, 1 बाई यू माना था, एक्स का वैल्यू निकल क्या है, एक्स का वैल्यू 1 निकल के आया, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई यू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपका यू इंटू 1 यू हो जाएगा और 1 आपका 1 हो जाएगा, यू का वैल्यू 1 आ गया। इसी तरह से आप जो है दूसरा वैल्यू जो कि आपका वाई है, वाई इक्वल टू 1 बाई वी माना है और वाई इक्वल टू 2 आया यहाँ पे, तो 2 रख दो, 2 बाई 1 ऐसे लिख सकते हो 1 बाई वी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 1 2u हो जाएगा, 2v ये भी है ना। ओके अब यहाँ पे फ्रेंड्स 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा, तो वी इक्वल टू 1 बाई 2 आ गया, ठीक है वी का वैल्यू 1 बाई 2 आ गया। अब सेम इस तरह से आप दूसरा वैल्यू तीसरा निकालोगे, तीसरा हमारा डब्लू है, तो डब्लू डब्लू को क्या माना है, सॉरी डब्लू मत लिखो, जेड इक्वल टू क्या माना है, 1 बाई डब्लू माना था, तो जेड का वैल्यू क्या है 3, तो 3 लिख लोगे, अब 1 बाई डब्लू, तो 3 इंटू डब्लू आपका यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स डब्ल्यू का माना जाएगा 1 बाई 3। ओके 1 बाई 3, तो यहाँ पे देखो कहाँ आ जाएगा, यू का मान आपका 1, बी का मान 1 बाई 2 है ये, और डब्ल्यू का मान आपका 1 बाई 3 आ जाएगा। ओके तीनों का वैल्यू निकल चुका है, इस तरह से निकल गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा सॉल्व हो गया सारा क्वेश्चन डिटरमिनेंट मेथड वाला। इस वीडियो में डिटरमिनेंट मेथड ही चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे, बाकी जो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट। इसमें और वीडियो नहीं बना सकते, मतलब कहने का मतलब है इसमें और लंबा इसको नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा,
तो कोई फ़ायदा नहीं है, बीच में अटक जा गया है, तो हम अभी से हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं पार्ट टू वीडियो में, जो कि बाकी बचा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए पार्ट वन देखो, तो पार्ट टू जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।